प्रणब सर ने बताया कि सपने सो के नहीं देखे, जगे हुए भी देखा जा सकता है, और वही सपने जो हैं आपको आगे ले जाएंगे। सर ने जो चीज़ कहा है वो पूरी प्रिपरेशन के लिए जो सार है वो उन्होंने आप लोगों को बताया है। मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि सफलता में जो सबसे अधिक योगदान है वो है आपके खुद के स्वयं के दर्शन का। अगर अपने आप को आप खुद से देख पाते हैं कि आपको करना क्या है, क्यों IAS बनना है, ये अगर आप सोच पाते हैं तो कोई भी आपको IAS बनने से नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ उस दिशा में काम करना होगा। अगर आप केवल सपने देखेंगे और उसको सच करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो सपने आपके साकार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक आइडल कंडीशन कभी जीवन में आपको प्राप्त होगा। कुछ न कुछ समस्याएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आपके पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे आपके व्यक्तिगत समस्याएं हो, कोई ना कोई समस्या आपके पास 24/7 रहेगा। उन समस्याओं के बीच में से आपको समय निकालना है, सोचना है, और सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए तैयारी को प्राइम इम्पोर्टेंस पे 24 घंटे आपके चिंतन में, आपके सोच में UPSC का प्रिपरेशन आना चाहिए। आपका जो एक कहते हैं कि आपकी जो एक ध्यान होना चाहिए वो 24 घंटे जब भी आप सोते उठते जागते हैं उस समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे IAS की तैयारी करनी है। उसके लिए जो भी संसाधन हैं वो आज सब, जैसा कि सर ने भी बताया, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। आपको सिर्फ चैनलाइज करना है, उन सारी जानकारियों को किस तरह से उपयोग करना है कि आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हुए बगैर उस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर आसानी से UPSC क्वालिफाई कर पाए। इन सभी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो आपका ही होता है। तो आप सेंटर में आप हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे UPSC क्वालिफाई करना है, उस दिशा में काम करते हैं, तो उस डायरेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ सारे पदाधिकारी हैं जो अभी आपको डायरेक्शन देंगे। उस डायरेक्शन को आप फॉलो करिए और रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, एक वर्ष में भी नहीं आएगा। कम से कम 2 वर्ष की बेहतरीन तैयारी के बाद आप 3रे वर्ष में रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन 2 साल आपको UPSC के जो साइकिल है उसमें लगेगा। तो आप अपने आप को तैयार कर लें, उसी डायरेक्शन में काम करें, और सोच जो चिंतन की बात सर ने की है कि आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करनी है। किस तरह से चिंतन करनी है? आपके आँख और कान खुले रखने हैं। जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, उसको देखने का नज़रिया बदलिए कि जो चीज़ भी आप देख रहे हैं उसको देखने पे आप सोचें कि इससे आखिर ये चीज़ है क्यों। अगर आपके पास एक मोबाइल है, सपोज एक उदाहरण के लिए आपके हाथ में, तो सोचिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में हो। क्या एक क्रांतिकारी आपके हाथ में जो एक मोबाइल है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? यह दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा विपण है, एक ऐसा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी दुनिया को बदल दिया। पूरी ग्लोब आपके हाथ में, आपके पॉकेट में है, जो कभी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले लोगों ने सोचा नहीं था। तो मोबाइल टेक, अगर आप इससे क्वेश्चन के बारे में जस्ट एक मैं बताता हूँ कि कैसे आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं जिससे कि आप तैयारी में सोच पाएँ। मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आपके पॉकेट में है, तो मोबाइल से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? प्री, अगर आप उसको कंप्रिहेंसिवली तैयार कर लेते हैं तो आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी की तैयारी एक साथ हो जाएगी। आखिर मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, मोबाइल के जनरेशंस क्या है, 1G, 2G, 4G, 5G, मोबाइल को पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसको रेगुलेट कैसे होती है, मोबाइल का जो संचरण है वो कैसे होता है, मोबाइल पे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आएगी, आज मोबाइल को किस किस चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। अब मोबाइल आपका एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में काम कर रहा है, मोबाइल आपके आइडेंटिटी के रूप में काम कर रहा है, मोबाइल GPS लोकेशन से आपको लोकेट करने में काम कर रहा है। तो ये एक उदाहरण मैं आपको जस्ट मोबाइल का दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप जो UPSC के पूरे सिलेबस है उसमें कहाँ कहाँ कंटेंट मोबाइल को जोड़ता है सभी आप देख सकते हैं, चाहे GS पेपर 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो या इंटरव्यू से हो। ये एक इसी तरह से किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, उन सारी चीज़ों पे आपको
चिंतन करनी है कि आखिर इसका इवोल्यूशन से क्या क्या एस्पेक्ट निकल सकते हैं, और उन डॉट्स को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस डॉट को आप सोच पा रहे हैं, तो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है वो ना तो रटने का है और ना ही आपके एक्सेलेंस का है कि आप अब मास्टर है तभी हो पाएगा। आपके एनालिटिक, आप कितना विश्लेषण कर पाते हैं किसी भी पक्ष को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है यूपीएससी का, अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं किसी कारण से अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी हो जाएगी, आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप अपने जीवन को जो देखने का नज़रिया है उसको आप बदल पाएंगे। तो ज़रूर इस तैयारी से आपको सिर्फ एक करियर ही नहीं मिलेगा यूपीएससी में, बल्कि आपको एक जो आपका लाइफ स्टाइल है जीने का, सोचने का, अपने आप को समझने का तरीका, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, और ये रिवोल्यूशनरी चेंज आपको यूपीएससी तैयारी देगा। तो ये पूरी चीज़ को मैं समराइज करके बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी में जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, डायरेक्शन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, आप क्यों बनना चाहते हैं इसका भी फंडा क्लियर होना चाहिए, और पूरी मेहनत के साथ अगर आप डेडिकेशन के साथ लगातार 2 से 3 वर्ष तक कर लगाते हैं तो आप यूपीएससी ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ में अगर किसी कारण से एक अगर क्वालिफाई नहीं भी कर पाए, तब भी आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने में ये एग्जामिनेशन आपको काम करेगा। थैंक यू।